हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यहाँ पे। दोबारा से एक बार स्वागत करते हुए चैनल का नाम एक बार बता देते हैं आपको। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, फटाफट से लिंक को कॉपी करके शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये होती है सबसे पहली आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। तो वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलो, अच्छा, सब लोग यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं। अब जल्दी से सबकी नींद ख़राब करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। एक बार और बता देते हैं, हो सकता है कि शाम में आज जो है वो पॉलिटी क्लास ना हो, चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मे बी वो क्लासेस आज शाम में 4:30 बजे ना हो, बट विल ट्राई, कोशिश करते हैं कि वो क्लास भी कंडक्ट हो आपके लिए। इन केस अगर आज नहीं होता तो वो क्लास आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला था कि पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तो लेट्स सी आज शाम में क्लास हो पाता है कि नहीं, अदरवाइज इसको हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, शाम में 4:30 बजे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि सेशन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि क्लासेस के टाइमिंग्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी अन अकेडमी पे आपको कुछ नए बैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं। आपको देखने को मिलते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि मैम क्या CBSE के जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम के लिए, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए? तो लास्ट में चल के छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा करीबन 15 सवाल इसी सेशन में से आए हैं, और वो आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, उनके बारे में भी बात करेंगे। सॉरी, आज गला थोड़ा सा नासाज है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी। यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसको अभी हाल ही में बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड से नवाजा गया है या फिर अवार्ड दिया गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे अहमदाबाद। अब देखो, स्मार्ट सिटी अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। अभी लेटेस्ट बोला गया है कि इसमें 5 और स्मार्ट सिटीज़ को जोड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टोटल यहाँ पे 10 फैक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, आने जाने के लिए जो सुविधा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन का स्तर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम किसी भी जगह को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। अब अहमदाबाद जो रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है कि बेस्ट रहा। अब देखो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले देखो कहाँ, गुजरात के अंदर। गुजरात की जो सबसे बड़ी सिटी होगी वो कौन सी है, वो है अहमदाबाद, और गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर में आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और गांधीनगर सबसे पहला केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट भी है, किसका, गुजरात का। फाइन, इतनी चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर गुजरात के ही पार्ट से, गुजरात के अंदर आपको मिलता है क्या, गिर नेशनल पार्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे पाए जाते हैं एशियाटिक लाइंस। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड, एग्जाम में सवाल बन सकता है। इसके अलावा गुजरात के CM रहेंगे विजय रूपानी जी, और अगर गवर्नर पूछ लिए जाएंगे तो आचार्य देवव्रत जी एज अ गवर्नर राज्यपाल के रूप में देखने को मिलेंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पे SCO की लिस्ट के बारे में। SCO की जो 8 वंडर की लिस्ट है उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी ऐड कर लिया गया है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी से सवाल बनता है तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है। आंसर बनेगा नर्मदा। नर्मदा के ही उपलक्ष में हम कह सकते हैं कि नर्मदा से रिलेटेड ही एक महोत्सव भी यहाँ सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है नर्मदा महोत्सव, कहाँ पर, गुजरात के अंदर, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताओ, करेक्ट आ रहे हैं इस पर भी, ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव जो है वो भी गुजरात के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई थी। अच्छा, ये मुझे आंसर करके बताना, और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर नर्मदा महोत्सव मनाना शुरू किया गया है? जल्दी से आंसर करके बताओ, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे नर्मदा महोत्सव मनाना शुरू किया गया है, फटाफट से आंसर करो। COP 13 भी यहीं पे ऑर्गेनाइज हो रही है, बिल्कुल सही बात है, अभी उसके ऊपर भी आपको एक सवाल मिलने वाला है। जल्दी से आंसर करके बताओ, और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? हाँ जी, ये जो करंट अफेयर है राहुल जी, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका SSC हो, रेलवे हो, इवन अगर हम लोग देखें तो CDS और NDA भी हो, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था CDS उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवाल थे जो सेशन से ही आए थे। तो देखो, करंट अफेयर तो वैसा वाला है, सिर्फ आपको पिक करना है कि कहाँ से सवाल बन सकता है, करंट थोड़ी ना चेंज होना है, और करंट के बिना तो जीवन आजकल वैसे भी नहीं चल रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड, सवाल तो आपको सेशन में से मिलेंगे ही मिलेंगे, इतनी तो गारंटी है। ओके, देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या है, MP के अंदर, करेक्ट, MP के अंदर भी नर्मदा महोत्सव जो है उसको मनाना शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये बताना कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है? स्टेट का नाम जल्दी से आंसर करो।
स्टेट का नाम जल्दी से आंसर करके बताओ। अगला सवाल देखो, हु हैज वॉन ICC वुमेन चैंपियनशिप, तो ये जीता गया है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले PM कौन हो जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैपिटल क्या होगी, कैनबेरा बनेगी। करेंसी पूछी जाएगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की एक लौता आप कह सकते हैं आइलैंड है जिसका नाम है तस्मानिया, और तस्मानिया की कैपिटल क्या है, होबार्ट रहेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ही हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो माउंट कॉसिस्को हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का अगर डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो लेक आयर जो है वो रहेगा इसका डीपेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक और याद रख लेना, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, त्रिपुरा करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता है कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ यानी कि मूंगा चट्टान कहाँ पे पाया जाता है, तो आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। गॉट इट, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चिराग जी ने देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर किया हुआ है, वेरी नाइस। PDF जो है अब वो पुरानी वाली ही मिल रही है। अगर आपको अभी तक PDF नहीं मिली है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे एक बार कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको चीज़ें ईजिली मिल जाएं। अब देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप से एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा इंडियन ओशन हिंद महासागर, दूसरी की तरफ आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर। नीचे देखोगे तो दिस इज़ तस्मानिया, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर आपको मिलती है एक स्ट्रेट जिसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं MCQ के सेशन पे, और जल्दी से यार लिंक को शेयर करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि अब वही बात है, मुझे बार बार कहना पड़ेगा, गला वैसे भी नहीं ठीक है, ऑलरेडी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इतनी बार मत कहने के लिए मजबूर क्या करें। करेक्ट, मुरे रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो आंसर बनेगा मुरे रिवर, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है डार्लिंग रिवर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं MCQs की, फटाफट से आंसर करते जाना, और अगर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो अभी पूरे वीक में आपको देखने को मिला तो उसको भी कनेक्ट करते चलेंगे। पहला सवाल, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली की बात करोगे तो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, आपको बताना है कि इसकी जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें देखने को मिलती हैं। फटाफट से आंसर करो, कुल कितनी सीटें देखने को मिलती हैं। केजरीवाल जी की फोटो अच्छी लग रही है ना। अच्छा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर विल बी 70 सीट्स आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा, CM यहाँ पे तीसरी बार बनने जा रहे हैं केजरीवाल जी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछे जाएंगे तो अनिल बैजाल जी रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। ध्यान रखना दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, दिल्ली के पास से अगर सपोज करो एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग दो टर्म सुनते हैं ना, एक है NRC और एक है NCR, है ना। ये वाला तो है, ये तो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, लेकिन NCR अगर पूछा जाता है तो दिल्ली को NCR का जो दर्जा दिया गया है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, या फिर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो आंसर बनेगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, मैंने आपको कल एक आर्टिकल नंबर बताया था, आर्टिकल नंबर क्या रहेगा, आर्टिकल नंबर क्या रहेगा, जल्दी बताओ। अगर एग्जाम में मानो पूछा जाता है आपसे कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आर्टिकल नंबर क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट, टोटल 62 थी, बिल्कुल सही बात है। आप तुम लोग यहाँ पे कंपेयर मत करो कि कांग्रेस को 0, BJP को इतनी, ये सब हमें कंपेयर नहीं करना यार, हमारे एग्जाम में थोड़ी ना पूछा जाएगा। ओके हाँ ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और यहाँ पे दिल्ली से जुड़ी हुई है, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने बात कर ली, बट दिल्ली का अपना खुद का हाईकोर्ट भी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है 1966 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ना ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा अगर देखो तो दिल्ली में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं। अगर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल पूछा जाता है, जनजाति महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था, तो ये भी दिल्ली के अंदर हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो बैठक थी ये भी दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी गई थी। ग्लोबल बायो कॉन्फ्रेंस, ये भी आपको दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज होते हुए देखने को मिली। इसके अलावा एक और है, नमस्ते पैसिफिक, ये भी जो बैठक थी ये भी दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुई थी। देखो ये वैसा वाला है कि अगर मान लो ऑप्शन में दिल्ली नज़र आ रहा हो और आपके दिमाग में बिल्कुल भी आंसर ना आ रहा हो कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई होगी, तो आप आराम से दिल्ली उसका आंसर मार्क कर सकते हो। बट ध्यान रखना हर एक केस में तुक्का काम नहीं करता है। जैसे कि अगर पूछ लिया गया कि ई गवर्नेंस की जो बैठक है अभी हाल ही में कहाँ हुई, तो उसको दिल्ली मार्क करके मत आ जाना क्योंकि वो मुंबई है, राइट। पता चला बाद में कहो कि मैम ने कहा था कि ऐसा होगा। ओके चलो अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। आर्टिकल नंबर 239 इट इज़ फॉर, नहीं आर्टिकल नंबर ऐसे नहीं बताना है, जब आपसे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा तो 239 2 मतलब AA आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
करेक्ट, SCO के हेड्स की भी जो मीटिंग हो रही है वो भी दिल्ली के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी जाएगी, वेरी नाइस. अच्छा मुझे ये बताना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने अभी टर्म यूज़ किया है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो कौन कौन से देशों के द्वारा बनाया गया है? सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो कौन कौन सी कंट्रीज़ का हुआ है इसमें? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो. हाँ बिल्कुल, देखो तुक्के हर बार सही नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना. कई बार जो हमारा गैस वर्क होता है वो सही काम नहीं करता है, इट्स नॉट नेसेसरी. आंसर क्या बनेगा अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, फटाफट से बताओ. चलो अच्छा, दूसरे सवाल पे आते हैं. इन विच स्टेट बंगा श्री स्कीम लॉन्च फॉर MSME, यानी कि MSME जो है यहाँ पे, आपको पता ही है MSME का मतलब सिंपल सी बात हो जाती है यहाँ पे कि जो छोटे स्तर पर बिजनेस होता है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए MSME जो मिनिस्ट्री है वो काम करती है. अब वेस्ट बंगाल के अंदर अभी ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत करी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल का जो बजट आया है उसमें इस टर्म का यूज़ किया गया है. अब देखो बजट आता जा रहा है तो हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा. सबसे पहले देखो इकोनॉमिक सर्वे आया कब, 31 जनवरी को. इसकी जो थीम थी वो थी वेल्थ क्रिएशन. बजट अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आया 1 फरवरी को, यानी कि 1 फरवरी को आया, जिसमें अगर थीम पूछ लिया जाता है तो एस्पिरेशनल टर्म के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया. अब अलग अलग स्टेट जो है वो अपना अलग अलग बजट लेके आएंगे, लेकिन इसके अलावा वेस्ट बंगाल आया ना तो थोड़ी सी बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में. देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कैपिटल, अब ये तो पता ही है कोलकाता है, कौन से रिवर के किनारे पर है, तो ये रहेगा हुगली नदी के किनारे पर. कोलकाता के अंदर ही अंडर वाटर ट्रेन की शुरुआत करी गई. इसके अलावा यहीं पर आपको मिलता है बुक्सा टाइगर रिजर्व एंड जलतापारा नेशनल पार्क. बुक्सा टाइगर रिजर्व से ही जुड़ा हुआ है कि 4th बुक्सा जो फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर ही. यहीं पर आपको मिलता है सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा जो है ये दो नदियों के मिलने से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र. और यहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि इंडियन नेवी के द्वारा अभी हाल ही में सुंदरबन की सिक्योरिटी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करके बता दो मेरे को कि आंसर क्या बनेगा. हाँ भाई करेक्ट, आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है, नॉट बजट. मतलब तुम लोग तो कभी कभी ऐसे रिएक्ट करते हो. हाँ जी आंसर करके बताइए, यहाँ पे माल्टा रहेगा, श्योर है ना सब लोग? करेक्ट, यहाँ पे आंसर बन जाएगा इसका माल्टा. नेक्स्ट देखो जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं. आंध्र प्रदेश लिखा है तो यहाँ पे अभी दिशा हॉस्पिटल की शुरुआत, दिशा पुलिस स्टेशन की शुरुआत करी गई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिशा एक्ट अगर पूछा जाएगा तो वो भी आंध्र से जुड़ा हुआ है. फ्रूट ट्रेन की जो शुरुआत है वो भी आंध्र प्रदेश से करी गई है. पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कुलेरू लेक और पुलिकट लेक भी आपको आंध्र के अंदर ही देखने को मिलेगी. अगला देखो ओडिशा. ओडिशा के पार्ट से क्या क्या याद रखना है, सबसे पहला तो हो जाएगा भुवनेश्वर के अंदर 2023 इंडियन हॉकी जो मैचेस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. इसके अलावा नखोई फेस्टिवल यहीं से जुड़ेगा. जात्रा फेस्टिवल भी ओडिशा का हो जाएगा. ओडिशा में आपको याद रखना है कि CM कौन है, इनका नाम कई बार पूछा जाता है क्योंकि 5 टाइम बैक टू बैक. तो यहाँ पे आपको याद रखना है नवीन पटनायक जी रहेंगे. गवर्नर पूछे जाएंगे तो गणेशी लाल जी हो जाएंगे. ठीक है, अगला यहाँ पे हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क और यहाँ पे घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. याद रखना ऑलिव रेडली टर्टल्स जो हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं. और अभी लेटेस्ट वाला जो है वो है ईरावडी डॉल्फिन. अगर ईरावडी डॉल्फिन पूछी जाएगी तो वो भी आपको यहीं ओडिशा के अंदर ही देखने को मिलेगी. ठीक है, और चिल्का लेक ये तो कॉमन वाला यार, इसके बारे में क्या बताना है. ठीक, चलो आगे चले. मधु ऐप भी यहीं से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है. छऊ डांस फॉर्म जो है वो भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, वेरी नाइस. चलिए अच्छा आगे देखते हैं. अगला देखो यहाँ पे ऑप्शन में तमिलनाडु है, तो थोड़ी सी बात तमिलनाडु के बारे में कर लेते हैं. एलिफेंट्स जो कैप्टिव रखे गए थे उनके लिए आपको मैंने 2 नेशनल पार्क के नाम बताए थे. पहला था अन्नामलाई नेशनल पार्क और दूसरा था यहाँ पे मुदुमलाई नेशनल पार्क. दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान जो हैं कहाँ पर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको ध्यान रख लेना. उसके बाद अगर केरला के पास से नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है. अच्छा मुझे ये बताना इराविकुलम नेशनल पार्क के पास कौन सा डैम है. चलो थोड़ा सा सवाल को टफ कर देते हैं, बड़े दिनों से बिल्कुल इजी सवाल सुन रहे थे. इराविकुलम नेशनल पार्क के पास कौन सा डैम है, बांध पूछा है, डैम का नाम आपको बताना है. नखोई फेस्टिवल करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो भी ओडिशा के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे, इट्स गुड. देखो पता है हर एक पॉइंट हम रिकॉल करा पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको अगर कोई भी पॉइंट याद आता रहता है तो उसको बोलते जाया करो, लिखते जाया करो. क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं टाइप करोगे, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक चीज़ें आपको याद नहीं होती. 1000 बार ये चीज़ हम आपको बोल चुके हैं.
जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो, आंसर क्या बनेगा? पेरियार डैम? ना, ऐसा कोई डैम नहीं है वहाँ पर. आंसर करेक्ट करके बताओ यहाँ पे कौन सा डैम मिलेगा अगर आपसे डैम के पार्ट पे सवाल पूछते हैं तो. अगला देखो, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रीडिंग मिशन रिसेंटली? ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी हाल ही में रीडिंग मिशन की शुरुआत करी है ताकि एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर है, उसे और भी बेहतर बनाया जा सके? आंसर बनेगा यहाँ पे हरियाणा. मुला पेरियार डैम है, ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखो, इट्स मुला पेरियार डैम, क्योंकि डिस्प्यूटेड है केरला और तमिलनाडु के बीच में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. चलो अच्छा, इसका आंसर हो गया हरियाणा. अब हरियाणा के पार्ट से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले तो याद रख लेना सूरज कुंड मेला, वेरी इंपॉर्टेंट. हरियाणा के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया और यहीं पर हरियाणा के साथ जो पार्टनर स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ में अगर पार्टनर कंट्री पूछी जाएगी तो बन जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री परिवार योजना की जो शुरुआत हुई है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया, जिसमें कुछ अमाउंट देने की भी बात हुई थी, 6,000 रुपीज़ भी दिए जाएंगे. तो हरियाणा के पॉइंट से इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए जो कि लेटेस्ट वाली हैं, राइट. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र. तो इसके लिए दो इंडेक्सेज हैं, वो याद रखना. सबसे पहला यहाँ पे आपको याद रखना है जुडिशरी इंडेक्स, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे है, और इसके अलावा साइबर, जो कि मेडिकल से जुड़ा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट से, उसमें भी महाराष्ट्र आपको टॉप पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा लीक हो रही थी, उसमें भी आपको महाराष्ट्र टॉप पे देखने को मिलेगा. तडोबा नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर रहेगा. मुंबई, जो ट्रैफिक के ऊपर एक पूरी लिस्ट आई थी उसमें मुंबई आपको देखने को मिलता है 4th नंबर पे. मुंबई के अंदर ही अभी ई गवर्नेंस की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, ओके, एमपी के पार्ट से देखो क्या याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी, क्योंकि बड़े दिनों से चर्चा में छाया हुआ है. अभी तो नर्मदा महोत्सव की वजह से हो गया था चर्चा में, और उससे पहले इसको घड़ी माथा स्टेट के, सॉरी घड़ी माता कह रहे हैं, घड़ियाल स्टेट का भी दर्जा दिया गया है. तो याद रखना, घड़ियाल स्टेट या फिर टाइगर स्टेट, दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा तो कहाँ होगा, एमपी के अंदर होगा. एमपी में ही आपको याद रखनी है एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे एक मदद स्कीम की भी शुरुआत करी गई थी जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है. कोई भी स्कीम किसी भी स्टेट की है, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आंसर क्या बनेगा, ठीक है, ओके. 23rd एडिशन, करेक्ट बात है, ठीक है. टैप वाटर वाला आप लोगों ने बता ही दिया. अगले सवाल पर आ जाओ, विच ओपेरा स्टार, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ओपेरा स्टार का नाम तो मैंने लिख ही दिया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना. सवाल में पूछा जा रहा है मेरिला फ्रेनी, जो कि एक ओपेरा स्टार हैं, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और इनकी एज थी 84 ईयर्स. सवाल में पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी, कंट्री का नाम बताना है. तो कंट्री का नाम क्या रहेगा, इटली रहेगा यहाँ पे कंट्री का नाम. अब देखो क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में और पूछी जा सकती हैं. सबसे पहले ज़रा इस न्यूज़ के बारे में बात कर लें, तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, ओपेरा स्टार थी, फाइन. अब देखो इटली आया है यहाँ पे, तो तुरंत से दिमाग में रोम आएगा, फाइन. रोम के साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर है किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम के अंदर ही मिलेगा. इसके अलावा देखो फ्रांस लिखा हुआ है, तो फ्रांस से आपको ध्यान, अच्छा ये चीज़ और बता दें, जो विंटर ओलंपिक्स हैं 2022 वाले, ये होंगे चाइना के अंदर, और इसके बाद जो ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे 4 साल बाद, वो कहाँ पर होंगे, वो इटली के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे. अभी हाल ही में जो 2020 वाले ओलंपिक्स होने, समर ओलंपिक्स, टोक्यो में होंगे, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा पेरिस में, और उसके बाद नेक्स्ट वाला रहेगा लॉस एंजलिस के अंदर. लॉस एंजलिस जैसे ही आए तुरंत से दिमाग में आ जाना चाहिए ऑस्कर अवार्ड्स, क्योंकि लॉस एंजलिस के अंदर ही ऑस्कर अवार्ड या फिर एकेडमी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें अभी बेस्ट मूवी का जो अवार्ड गया है वो है पैरासाइट को. पैरासाइट मूवी जो है ये साउथ कोरिया की है, कोरियन लैंग्वेज में है, फाइन, और ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी है. नेक्स्ट देखो फ्रांस के पार्ट से हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ हो जाएगी कैपिटल रहेगी पेरिस, जहाँ पर आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, और साथ में FATF का भी हेडक्वार्टर यहीं पर देखने को मिलता है. बात समझ में आ रही है यहाँ तक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे फ्रांस के पार्ट से और क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे G7 का 2019 का जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था, और अगला वाला जो G7 होगा वो USA के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा. स्पेन के पार्ट से क्या याद रखना है, मैड्रिड सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है. यहीं मैड्रिड के अंदर अगर हम देखें तो COP25 को भी ऑर्गेनाइज किया गया था. COP26 जो है ये आपको मिलेगी UK के अंदर. यहाँ तक बात समझ में आ गई, नॉन इंग्लिश मूवी है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. मैक्सिमम, हाँ बिल्कुल सही बात है, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें इटली और चाइना की तरफ से आपको सबसे ज़्यादा साइट्स देखने को मिलती हैं, 55 इटली 55 चाइना, गॉट इट.
चलो अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे यूके के पार्ट से। अब यूके के पार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बट एक बार फिर से लंदन और पाउंड स्टर्लिंग रहेगी इसकी करेंसी। यूके जो है वो अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर। इसकी खुशी में इन्होंने एक सिक्का भी जारी किया था और यहाँ के जो पीएम हैं वो कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। यूके के या हम कह लें ब्रिटेन के पीएम का नाम कमेंट सेक्शन में आंसर करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दो यूके के पीएम का नाम क्या रहेगा। करेक्ट, स्पेन के अंदर अभी हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर करी गई थी। और यहाँ पे अब अगर आ जाओ जर्मनी वाले पार्ट पे, जर्मनी से एज सच बहुत ज़्यादा तो कुछ न्यूज़ में चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ओके ठीक है। करेक्ट, मैड्रिड हो गया, टैगस रिवर के किनारे। अरे वाह, तुम लोग को सारे पॉइंट याद होने लगे हैं मुझे ऐसा लग रहा है अब। चलो अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल पे आ जाओ। आपको बताना है वर्ल्ड यूनानी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे 11th ऑफ फेब को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये दिन जो है ये किसकी यहाँ पे एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष में मनाते हैं, तो हकीम अजमल खान जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब बाकी सारे दिन भी तो लिखें, ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रहेगा यहाँ पे 1st फेब को, ये हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे। 2nd हो जाएगा यहाँ पे वेटलैंड डे, यानी कि 2nd फेब को रहेगा वेटलैंड डे। 4th रहेगा यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे, और इसके बाद देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 6th फेब को, ये हो जाएगा जीरो टॉलरेंस डे। लास्ट वाला जरा देखो यहाँ पे वर्ल्ड पल्सेस डे, ये कब होता है, ये भी 11th फेब को होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो एग्जाम में सवाल को थोड़ा टफ बनाना है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पल्सेस डे जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है, तो आंसर बनेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ था अभी जस्ट मैंने आपको बताया, रोम। ओके, 1st क्लाइमेट इमरजेंसी इन यूके, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर मानो पूछा गया कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ध्यान से सुनना सवाल को, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। अब यहाँ पे कंट्री वंट्री नहीं पूछी है मैंने, ऑर्गेनाइजेशन पूछी है, सही से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करके बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। आई विल, बिल्कुल करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं, तब तक फटाफट से देखो अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हाल ही में इसका जो नाम है वो चेंज करने की बात कही गई है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो नाम बदला जाएगा ये इनमें से किसके नाम पर रखा जाएगा, फटाफट से आंसर करो। यूएन? नो इट्स नॉट यूएन, यूएन नहीं है। देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछी जाएगी ना तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ एक लोगों ने सही बताया, WHO क्यों करेगा, WHO को क्या लेना देना है, क्लाइमेट इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करेगा, इट्स यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आंसर बनेगा अरुण जेटली जी। अभी अगर आपको याद हो तो जो पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं वो भी इनको दिया गया था, तो इनका नाम ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पटना के अंदर इनका जो एक स्टैचू है वो अनवील किया गया है। नेक्स्ट फिरोज शाह कोटला मैदान का जो नाम है दिल्ली के अंदर वो नाम भी चेंज किया गया है, अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी को ये सेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो 25th ऑफ दिसंबर जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी किया था नीति आयोग ने उसके अंदर तमिलनाडु आपको प्रथम स्थान पर यानी कि नंबर 1 पे देखने को मिला, ठीक है ओके। यहाँ तक बात समझ आ गई, यूरोपियन यूनियन ठीक है करेंट ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, इनकी अगर बात करते हैं तो अंडमान निकोबार के अंदर आपको 3 आइलैंड मिलते हैं जिन आइलैंड्स के नाम इनके नाम पे चेंज किए गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और कौन सा हो जाएगा आपका रॉस नील और एक और है जल्दी से बताओ हैवलॉक आइलैंड, इन तीनों के नाम जो है वो चेंज किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मान लो पूछा जाता है कि इनकी एनिवर्सरी, तो 23rd ऑफ जनवरी को थी जिसमें उत्तराखंड को एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था जो कि डिजास्टर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्वामी विवेकानंद, इनकी बात करें तो भाई इनके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इनकी जो मूर्ति है, इनका जो स्टैचू है वो अनवील किया गया कोची केरला के अंदर, फाइन ओके बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ पे चिराग जी ने फिर से बताया है कि झारखंड विल बी ओके, फाइन गुड। आ जाओ अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो ई ऑफिस करने की बात कही गई है, मतलब जितना भी पेपर वर्क होता है उन सारे पेपर वर्क को अब यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। अब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट तो किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस का जो नाम है वो नाम क्या रखा गया है। राजस्थान के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी शुरुआत किससे होगी, राज से होगी, तो आंसर क्या बन जाएगा राजकाज, राइट ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान आया है तो राजस्थान से जयपुर हो जाएगा, और जयपुर जो है वो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जुड़ने वाला सबसे लेटेस्ट वाला आपको सिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट रहेगा
ये जो पूरा एक सर्टिफिकेट था यूनेस्को के द्वारा जो दिया गया था वो यहाँ की जनता को डेडिकेट किया गया है यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर ही मिलेगा। इसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क भी आपको राजस्थान में मिलेगा। पुष्कर लेक रहेगा, सांभर लेक, ये भी यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा अगर मानो पूछा जाता है केलो दियो घाना, है ना, ये नाम सबने सुना होगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी सबने सुना होगा। इन केस अगर ये पूछते हैं आपसे तो याद रखना यहाँ पे साइबेरियन क्रेन देखने को मिलती हैं। ये बर्ड हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से इंडिया के अंदर आती हैं। ओके, चलो तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आप देखो राजस्थान अकेला ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया है। राजस्थान ने नाम कर दिया है राजकाज। ओडिशा के अंदर भी इस चीज़ को अपनाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, ओसवास रखा गया है। आंध्रा के अंदर भी यही सेम चीज़ करी गई है, ई ऑफिस को कन्वर्ट, मतलब ऑफिसेस को ई ऑफिस में कन्वर्ट करने की यहाँ पे पूरी तरीके से मुहिम शुरू कर दी गई है। अब आ जाओ वन लाइनर पे। यहाँ पे देखो कोई भी अब आपको ऑप्शन मिलने वाला है नहीं, तो फटाफट से जैसे ही सवाल है तुरंत से आंसर आना चाहिए। देखो पहला सवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है मेयर बेन, आपको बताना है कि अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आए हुए थे और जेरूसलम और मुंबई के बीच में सबसे पहली आप कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ किया गया मुंबई के अंदर, जिसके साथ ही इनका जो नाम है वो चर्चा में देखने को मिला। इन्होंने मोदी जी के साथ मुलाकात भी करी। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हिंट मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको, जल्दी से आंसर करके बताओ। 29 को ट्रंप नहीं, 24 को ट्रंप आ रहे हैं। पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको मिल जाता है वाईफाई के ऐप में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं आपको सर्च कर पा रहे हो तो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से जब आप ढूंढोगे टेलीग्राम का चैनल या टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, राइट। चलो अच्छा, इसका आंसर इटली, अरे यार मतलब इटली, इसराइल बनेगा इसका आंसर। इसराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी, जेरूसलम रहेगी। अगला सवाल, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019, ये जो रिपोर्ट है ये हाल ही में किसके द्वारा जारी करी गई है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जल्दी से, या वन लाइनर में इतना समय नहीं लिया जाता है, फटाफट से आंसर करो। और हाँ ये बताओ, मतलब अगर हम नहीं कहेंगे शेयर करने के लिए तो शेयर नहीं किया जाएगा, जल्दी से लिंक को कॉपी करके शेयर करते जाया करो, और अगर पसंद आया करे तो उसे लाइक भी कर दिया करो। आंसर क्या रहेगा इसका, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क में बनेगा, और यही बनेगा नहीं मतलब है, और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको न्यूयॉर्क के अंदर ही देखने को मिलता है। यूनिसेफ के इसराइल, इसराइल यूनिसेफ करेक्ट, हाँ ज़रूर यही और बचा हुआ था। आप अगला सवाल देखो, इंडिया ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वो एक नया डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है उसको एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात हो रही है इसके लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा वो कितना है, $1.867 बिलियन, इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा भारत के द्वारा। आपको ये बताना है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है भारत कौन से देश से खरीदने की बात कर रहा है, जल्दी से बताओ। देखो अगर S-400 पूछा जाएगा तो रशिया हो जाएगा, अपाचे चिनोक पूछा जाएगा USA हो जाएगा, स्पाइक पूछा जाएगा इसराइल हो जाएगा। इसके अलावा ओके, प्रियंका चोपड़ा को अवार्ड मिला था, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या बनेगा इसका, देखो यूनिसेफ की जब भी बात आएगी ना तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो प्रियंका चोपड़ा को मिला था, और अगर पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जिसमें अभी डेवोस के अंदर ही इसकी बैठक हुई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में, वहाँ पे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था दीपिका पादुकोण को। दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी USA, वेरी नाइस। अच्छा ये बताना, UK और इंडिया के बीच में अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज हो रही है वो UK के अंदर चल रही है, इसको भूल मत जाना क्योंकि मैंने अभी इसको मेंशन नहीं किया था। अगला सवाल देखो, COP 13 जो कि CMS से जुड़ी हुई है यानी कि माइग्रेटरी स्पीशीज से जुड़ी हुई है, ये हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है भारत के अंदर। आपको ये बता देते हैं कि ये कॉप जो है ये 13th नंबर की है और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2020 का जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो गांधीनगर यानी कि गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखना अगर इसका मैस्कॉट पूछा जाएगा तो ग्रेट इंडियन बस्टर रहेगा इसका मैस्कॉट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर IUCN की लिस्ट में पूछा जाता है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट के अंदर आता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चिनोक जो है, जो आपने अभी बोला है, वो ज़रा मुझे ये बताना वार्म विंड है या फिर कोल्ड विंड है। अच्छा चिनोक का दूसरा नाम बताओ, छोड़ो वार्म विंड और कोल्ड विंड तो मुझे पूछना ही है, चिनोक जो विंड्स हैं है ना, जो लोकल विंड्स होती हैं, चिनोक का दूसरा नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। देखो मतलब अभी मैंने बोला था कि हर एक कॉन्फ्रेंस का आंसर दिल्ली नहीं हो सकता है।
देखो भाई रेलवे के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हाथ में थोड़ी रहा है कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाए, इट्स नॉट इन माई हैंड। आप रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेट्स सी, इट्स ऑल अप टू गवर्नमेंट। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, पहले जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर करो जो मैंने सवाल पूछा है। यूएन के हेड रहेंगे एंटोनियो ग्यूटेरेस, करेक्ट है? जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ। चिनोक, ना चिनोक इज़ नॉट फ्रॉम रशिया, रशिया से नहीं है, यूएसए से है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, मिस डांग थाइंग ये अभी हाल ही में भारत की यात्रा पे आई हैं, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर आई हुई हैं। देखो थाईलैंड आंसर आ रहा है, मतलब तुम लोग हद की हो। पहले ज़रा एक एक करके आंसर सुन लो। चिनोक जो अभी मैंने सवाल पूछा था उसका दूसरा नाम होता है स्नो ईटर, और यही सब चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं ना, क्योंकि देखो किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया, यही सारी चीज़ें लेके एक नया बैच लेकर हम आ रहे हैं SSC के लिए, CHSL के लिए, जो अन अकेडमी पे स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं वाईफाई चाम्प कोड का यूज़ करके प्लीज़ सब्सक्रिप्शन एक बार चेक ज़रूर कर लेना, भले ही अगर आपकी इच्छा ना हो उसे परचेज करने की, सिर्फ डेमो क्लासेस देखना उसको छोड़ देना, बट डू विजिट द चैनल, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये आंसर क्या बनेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसियान का जो 36 वाली मीटिंग होनी है वो हनोई के अंदर ही ऑर्गेनाइज करी जाएगी। आसियान की जो भी 35 वाली हुई थी वो बैंकॉक के अंदर हुई थी, इसी के साथ में RCEP की जो बैठक हुई थी वो भी आपको बैंकॉक के अंदर ही देखने को मिली थी। RCEP में टोटल 15 ही मेंबर्स बचे हैं क्योंकि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। नेक्स्ट पार्ट याद रख लेना, आसियान का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये है जकार्ता के अंदर। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो एक आखिरी सवाल और बता दो, ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने ग्राउंड वाटर एक्ट की शुरुआत करी है? कल मैंने आपको बताया था कि नेशनल वाटर पॉलिसी के ऊपर एक पूरी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करी गई थी भोपाल के अंदर, यानी MP के अंदर। अब आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर एक्ट जो है वो कौन से स्टेट के अंदर लागू कर दिया गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे UP के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके, ठीक? चलो अब आ जाओ ज़रा न्यूज़ के पार्ट पे, फटाफट से ज़रा न्यूज़ देखते रहते हैं। स्नो ईटर है, देखो कनाडा में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है ना, और इसका नाम रखा गया स्नो ईटर। जैसे ही ये हवाएं चलना शुरू करती हैं वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है स्नो ईटर रखा गया है। दैट मीन्स ये वार्म विंड है, ठीक है, गर्म हवाएँ हैं ये। चलो आ जाओ ज़रा पहली न्यूज़ पे फटाफट से। पहला सवाल, पहली न्यूज़ क्या है यहाँ पे, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में बेंगलुरु के अंदर करी गई थी, ठीक है? अब देखो यहाँ से सवाल क्या क्या पूछा सकता है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यही पूछा जाए, इससे रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं। अब हॉर्टिकल्चर के लिए एक नई पूरी पॉलिसी बनाई गई है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। दूसरी तरफ बेंगलुरु आया है, तो जो ट्रैफिक वाली पूरी लिस्ट अभी जारी हुई थी ग्लोबल लेवल पर, उसमें बेंगलुरु टॉप पे देखने को मिलता है। और ये जो लिस्ट जारी हुई थी ये टॉमटॉम नाम की एक फर्म के द्वारा जारी करी गई थी। कहाँ की फर्म है ये? नीदरलैंड की फर्म है। नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टरडम, करेंसी रहेगी यूरो। नीदरलैंड के अंदर ही आपको मिलती है एक और जगह जिसका नाम है हेग, और यहाँ पे दो हेडक्वार्टर हैं, पहला है ICC का और दूसरा है ICJ का। ये क्या हो जाएगा, ये तो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, और ये जो है ये क्रिमिनल कोर्ट है। ये हम लोग क्रिकेट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट वाला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दुबई के अंदर। गॉट इट? चलो अच्छा नेक्स्ट देखो, अगली न्यूज़ यहाँ पे, ये एक बुक का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ चर्चा में है तो एक बार से इसके बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा के जो CM है यानी कि मुख्यमंत्री हैं, कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। इनके द्वारा एक किताब अभी जारी करी गई है जिसका नाम है अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। अब आपको इसको सीधे शब्दों में बता देते हैं कि ये किताब है क्या। देखो यहाँ पे जो बुक आई है इसको लिखा गया है किसके द्वारा? KK खंडेलवाल जी के द्वारा लिखा गया, जारी किसके द्वारा किया गया है? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। इस किताब में ये बताया गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उससे जुड़े हुए जितने भी कानून बने हुए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, ठीक है? जब भी हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जब से आए हैं दिल्ली तब से हालत बिल्कुल ख़राब हो रही है पोल्यूशन की वजह से। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है AQI इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा इसका फुल फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये देखो अभी आगे काम की बात, यहाँ पे आ गया कोरोना वायरस एंड WHO। अब देखो ये न्यूज़ क्या है यहाँ पे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, करेक्ट?
कॉप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कॉप ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है ना, जब वो मिलके किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको छोटा सा एक टैगलाइन दिया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. जैसे कि अभी COP COP25 मैंने बात करी थी, है ना, उसी तरीके से आपको ये देखने को मिलती है. इसमें अगर देखोगे तो आई थिंक अप्रॉक्स 129 कंट्रीज हैं, आई थिंक 129 कंट्रीज हैं इसमें, आई एम नॉट श्योर, बट इसको एक बार से चेक ज़रूर कर लेना. चलो अच्छा, अब यहाँ पे देखो WHO ने कोरोना वायरस का एक नया नाम ईजाद किया है, और WHO ने जो नया नाम दिया है वो क्या है? COVID-19. ठीक है, अब ज़रा ये है क्या, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं. कोरोना वायरस जो है उसको वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और ये जोनोटिक है, यानी कि किसी भी एनिमल से किसी भी ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. सबसे ज़्यादा जो केसेस की शुरुआत हुई वो वुहान से हुई, जिसके चलते इसका नाम वुहान वायरस रखा गया. चाइना के अंदर जो डेथ का नंबर है, यानी कि जितने लोगों की डेथ होती जा रही है, वो 1000 को भी क्रॉस कर गया है. कोरोना वायरस की वजह से जितना भी ट्रेडिंग पार्ट है, मतलब जितना भी व्यापार चाइना के द्वारा होता था या चाइना के साथ कंट्रीज करती थी, वो सारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि उसके ऊपर बैन लगा दिया गया सिंपली. अब यहाँ पे देखो WHO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है, इनके द्वारा ये नया नाम दिया गया, जिसका मतलब भी है, इन्होंने मतलब भी बताया है. CO से हो जाएगा कोरोना, VI से हो जाएगा वायरस, और D से हो जाएगा डिजीज़. मतलब इतने बड़े नाम को छोटा सा नाम में कन्वर्ट कर दिया है. तो अगर COVID-19 लिखकर आए तो तुरंत से समझ जाइए कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है. ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा दिया गया. अच्छा एक चीज़ और देखो, ऐसा माना जा रहा है वैसे तो कि पेंगुलिन नाम का जो एक आपको एनिमल देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जबकि वो तो इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है. उससे पहले बोला गया था कि जो बैट हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उसकी वजह से ये फैल रहा था. लेकिन इन सारी चीज़ों को किनारे करते हुए आपको ये ध्यान रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये जो बीमारी थी, इसकी शुरुआत भी 2002 और 2003 के टाइम पे चाइना के अंदर ही देखने को मिली थी. ठीक है, और प्रॉब्लम ये थी कि तब भी ये निमोनिया की वजह से था, और ये भी जो यहाँ पे इसमें भी निमोनिया के ही आप कह सकते हो कि जो जो कारण है, ठीक है, वो भी आपको यहीं पर सेम एज इट इज़ देखने को मिल रहा है. लेकिन तब भी जब हम बात करेंगे SARS की या हम बात करें कोरोना वायरस की, दोनों का एग्जैक्टली रीज़न क्या है कि किसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. फाइन, यहाँ तक बात समझ में आ गई. चलो अच्छा, अब आ जाओ ज़रा अगली न्यूज़ पे. ये वाली न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा. यहाँ पे ये बात करेगा बिम्स्टेक के बारे में. अब बिम्स्टेक से जुड़ी हुई क्या बातें हैं वो हम लोग अभी लास्ट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे यही डिस्कस करने वाले हैं. देखो, यूनियन मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर है, आपको याद रखना है, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है एक कॉन्फ्रेंस जो बात करेगा यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में. जो ड्रग की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है ना, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जा रही है नई दिल्ली के अंदर. उसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा. अब यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है, तो बिम्स्टेक के अंदर जितने भी देश आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. SCO की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग मैंने आपको बताई थी 2020 में, वो भी इंडिया के अंदर होगी. ध्यान रखना, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बोला है मैंने, सिर्फ SCO नहीं बोला है. सिर्फ SCO बोला जाएगा तो रशिया रहेगा आंसर. अब देखो, ये तो बात हुई बिम्स्टेक के नेशंस के बारे में कि इनकी ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर एक बैठक होने जा रही है, लेकिन इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज करी जा रही है, जिसमें भी बिम्स्टेक के सारे जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये कहाँ पर होगी? ये भुवनेश्वर के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई 11 से लेके 13 तारीख के बीच में, यानी कि आज भी ये चल रही है. अब देखो, इसमें कंट्री कौन कौन सी हैं, कितने कितने तरीके से काम करता है, ये सारी बात अभी बिल्कुल आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे हम बात करेंगे. सिर्फ यहाँ ये जान लो टोटल कंट्रीज़ कितनी है, 7 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी. इसका हेडक्वार्टर ढाका के अंदर देखने को मिलता है. अब आओ ज़रा यहाँ पे अगली न्यूज़ पे. ये वाली न्यूज़ भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. RBI ने बोला है कि अब वो एक नया 1 रुपये का नोट जारी करने वाले हैं. अभी तक सिक्कों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, अब 1 रुपये का नया नोट आने वाला है. मतलब करेंसी चेंज तो बिल्कुल, खैर नो कमेंट्स. अब 1 रुपये का जो नया नोट आने वाला है, तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा हम पहले बात कर लेते हैं. RBI ऑफ इंडिया डज नॉट इशू दिस नोट लाइक अदर करेंसीज, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रुपये का जो नोट आने वाला है, RBI ने स्टेटमेंट ज़रूर दिया है, लेकिन याद रखिएगा
आरबीआई के द्वारा एक रुपए के नोट को जारी नहीं किया जाता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी करेंसीज आती हैं वो आरबीआई जारी करती है, बट एक रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करती है। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट वन रुपी नोट, यानी कि अगर पूछा जाता है कि एक रुपए की जो नई करेंसी आ रही है इसको प्रिंट कौन कराएगा, तो भारत सरकार कराएगी। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और नोट के बारे में या फिर किसी और करेंसी के बारे में पूछा जाएगा तो वो कौन करता है, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब एग्जाम में आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी, यही स्टेटमेंट पूछा जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक रुपए का नोट होगा इस पे साइन किसके होते हैं, तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं उनके इसके ऊपर साइन किए जाते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करके बताओ यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन रहेंगे। ना COP24 में COP26 में कोई डिफरेंस नहीं है। COP25 इज़ अ नंबर, बैठक जो होती है ना उसका नंबर है, यानी कि जो पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉप के नाम से उसकी जो बैठक हुई है, जो एडिशन हुआ है, दैट इज़ 25th। जब COP26 होगी यानी कि एडिशन नंबर 26, ये एडिशंस हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी का नाम जल्दी से आंसर करके बताओ कमेंट सेक्शन में। ये तो हो गया एक रुपए के नोट पे इनके साइन होते हैं, लेकिन बाकी पे अगर देखोगे तो गवर्नर के ही साइन होते हैं। और अगर आरबीआई के गवर्नर पूछे जाएंगे तो शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे, जिनको अभी हाल ही में इंडिया या हम कह सकते हैं कि एशिया पैसिफिक का जो अवार्ड मिला है ना वो भी इनको दिया गया है, बेस्ट बैंकर का। राजीव कुमार, वेरी अतानु। चलो ओके करेक्ट, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आ जाओ स्पोर्ट्स के पार्ट पे, जरा देख लेते हैं स्पोर्ट्स के पार्ट पे क्या क्या न्यूज़ है, फिर आते हैं हम लोग स्टेट और कंट्री के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स के पार्ट पे देखो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज द इमर्जिंग प्लेयर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इसमें से प्लेयर हैं जिनको इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे ओके फाइनेंशियल सेक्रेटरी राजीव कुमार, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, लाल रेशमी, ठीक है, इनका नाम जरा याद रख लीजिएगा, ठीक, इनका नाम याद रखना, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तो हो गई फीमेल की कैटेगरी में, अगर मेल की कैटेगरी में पूछा जाएगा तो विवेक सागर जी को इमर्जिंग की कैटेगरी के अंदर रखा गया, यानी कि उभरते हुए जो सितारे हैं वो यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं, मेन में भी और वेमेन में भी। अगला सवाल है यहाँ पे आर्मन डुप्लेंटिस, इनकी बात करोगे तो पहले तो ये जान लो कि ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो पोल वैलेंट नाम का जो स्पोर्ट होता है ना वो आपने देखा होगा कि स्टिक होती है लंबी सी, उसके थ्रू यहाँ पे इस तरीके से जंप करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस स्पोर्ट से ये जुड़े हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कंट्री बतानी है जिससे ये बिलोंग करते हैं। आंसर क्या बनेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं यूएसए से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यूएसए से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी कंट्री को, स्वीडन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो इनकी मदर हैं वो स्वीडन से बिलोंग करती हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये स्वीडन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर एग्जाम में देखो पूछा जाता है नेशनल गेम्स कहाँ होने जा रहे हैं, गोवा के अंदर होंगे। थर्ड खेलो इंडिया गेम्स जो अभी ऑर्गेनाइज़ किए गए थे वो आसाम गुवाहाटी के अंदर हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र आपको टॉप पे देखने को मिला था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। चौथे जो हैं वो आपको याद रखने हैं, नेशनल विंटर गेम्स, इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में, मतलब सीन देख के थोड़ा सा फील आ रहा है ना कि जाना चाहिए, तो गुलमर्ग के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। याद क्या रखना है, सिंपली स्पोर्ट्स का नाम याद रखना और नेम ऑफ द प्लेस पता होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर जब आएगा तो हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया था, और जो मिनी मेट्रो वाली बात हो रही थी ना, मिनी मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर करी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे गिरीश मुर्मू जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ की जो विधान परिषद है अभी हाल ही में उसको भंग किया गया है संसद के द्वारा। ओके चलो, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे एक और न्यूज़ है, न्यूज़ का पार्ट ज़रा देख लेते हैं, करेक्ट शिवानी कुमारी जी, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला मैंने कल डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ था, हरियाणा वाला जो न्यूज़ आप बता रहे हो मैंने कल डिस्कस किया था इसको। सेक्रेटरी की लिस्ट ऑल दो मैंने कई बार प्रोवाइड करी है, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं जब अभी संडे को MCQ पढ़ेंगे उस दिन हम अभी वाली जो लिस्ट है ये प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कौन कौन, कैरिक मैकडर्ड और शेरोन ट्रिडा, नाम ही इतने खतरनाक से हैं, चलो कोई नहीं, क्रेग याद रख लेना और शेरलोन याद रख लेना, इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फेम ऑफ द हॉल के अंदर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन थी ऑलरेडी सेशन के स्टार्टिंग में हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ था एक सवाल। स्टेट के पार्ट पे MP देखेंगे, लेकिन MP का आज आधा हिस्सा देखेंगे, करंट का जो पार्ट होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। देखो MP नज़र आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अ हार्ट ऑफ
इंडिया, ऑब्वियसली बात है इनक्रेडिबल इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहले हो जाएगी कैपिटल, दैट इज़ भोपाल। सीएम कौन रहेंगे? कमलनाथ जी। गवर्नर पूछे जाएंगे? लालजी टंडन जी हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएंगी? 51 होंगी। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे के सारे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही टाइगर स्टेट एमपी हो जाएगी, घड़ियाल स्टेट एमपी रहेगी। घड़ियाल जो है वो आपको चंबल नदी में देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। गांधी सागर डैम जो है चंबल नदी के ऊपर एमपी के अंदर है। बन सागर डैम सोन नदी के ऊपर है। सोन नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है नॉर्थ कोयल, और ये सवाल अभी वेस्ट बंगाल का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा भी गया था। अगला देखो यहाँ पे कौन कौन सी झीलें, अगर लेक्स पूछी जाएंगी तो भुजताल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और अगर मानो नृत्य पूछा जाएगा, डांस फॉर्म पूछा जाएगा, तो मटकी डांस फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला ट्राइब के पार्ट से, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स नहीं पूछी जाती तो एक बार से देख लेना, अगारिया वैसे जो है हो सकता है रेयर केस में पूछ ली जाए। इसके अलावा देखो डांस फॉर्म हो गए, फेस्टिवल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखो आपको बताया था सबसे पहले तो खजुराहो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल यहीं पे हुआ, और अब तो नर्मदा महोत्सव जो है वो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जितने फेस्टिवल अभी लेटेस्ट हुए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। लोकसभा सीट्स रहेंगी 29, राज्यसभा सीट रहेंगी 11। ये तो देखो था बेसिक किसका, एमपी का। अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितना करंट अफेयर्स है एमपी का वो आधा कल देखेंगे, अगर फिर भी बच जाएगा तो आधा परसों भी देख लेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो याद करना शुरू करो, एक साथ इकट्ठा लेके चल दोगे। नॉर्थ ईस्ट ही कर रहे थे लेकिन एमपी का कोई एग्जाम लगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैम एक बार एमपी करा दीजिए प्लीज़, तो मैंने सोचा, और वैसे भी ये इस वाले जो नया वाला ये प्लेटफॉर्म अभी मुझे मिला है, इससे पहले जहाँ थे वहाँ तो एमपी कई बार हुआ था बट इस वाले प्लेटफॉर्म पर एमपी डिस्कस नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पिक किया। अब देखो कंट्री के पार्ट पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यूएसए कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, और ये ध्यान रख लेना कि नॉर्थ अमेरिका में तीन कंट्रीज आएंगी, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो चलो ज़रा बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी रहेगी, और लार्जेस्ट सिटी पूछी जाएगी तो न्यूयॉर्क सिटी रहेगी। प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, फाइन। अगला देखो यहाँ पे आपको कुछ झीलें भी देखने को मिलती हैं, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो कि कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। होम्स कौन कौन सी हो जाएंगी, सुपीरियर, मिचिगन, हरुन, एरी एंड ओंटेरियो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो एरी और ओंटेरियो देखने को मिल रही है ना, इन्हीं के किनारे पर आपको देखने को मिलती है एक वाटरफॉल जिसका नाम है नाइगरा वाटरफॉल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये यहाँ पर इस जगह पर आपको एक माउंटेन रेंज मिलती है, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। नेक्स्ट देखो माउंट विटनी जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ का, यूएसए का। अच्छा ये हिंदी में भी लिखा है, परेशान मत होना। माउंट विटनी जो है ये यूएसए का हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट पॉइंट। मिसिसिपी रिवर जो है वो रहेगी यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, और मिसिसिपी और मिसौरी जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलकर डेल्टा बनाती हैं तो इनका डेल्टा बनता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी के अंदर डेल्टा बनता है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोलकाता वालों ने अगर कायदे से सेशन देखा होगा ना तो 12-15 सवाल तो वहाँ से बने थे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे। अगला है रियो ग्रांडी रिवर, ये जो रिवर है यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करेगी। हूवर डैम ये हो जाएगा कोलोरेडो रिवर के ऊपर, और ग्रैंड कुरी डैम जो है वो रहेगा कोलंबिया रिवर के ऊपर। या ये तो वैसे वाले हैं जो कि स्टैटिक पॉइंट्स हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को डिटेल में लेके आने वाले हैं एसएससी के बैच में, तो बी प्रिपेयर्ड जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहीं एसएससी के बैच में, तो काफ़ी डिटेल में हम लोग चीज़ों को देखेंगे, मतलब लेवल आप लोगों का इतना अच्छा कर दिया जाएगा फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, भले ही आपको आंसर नहीं आता होगा लेकिन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर लोगे। यूज़ क्या करना है, सिर्फ वाईफाई चाम कोड यूज़ करना है, दैट्स इट। अब आ जाओ ऑर्गेनाइजेशन बिमस्टेक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका यह है फुल फॉर्म, किसका, बिमस्टेक का। अब बिमस्टेक के अंदर क्या होता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगी, कॉपरेशन के ऊपर वर्क करेंगी, इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर भी ये वर्क करती हैं, तो इन सारे के ऊपर आपको वर्क करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है बिमस्टेक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका के अंदर। टोटल कंट्रीज़ कितनी आती हैं, इसमें 7 आती हैं, ज़रा एक बार बात कर लेते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इसके अलावा मिलेगी म्यांमार और थाईलैंड। अब देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, नेपाल, थाईलैंड और भूटान ये तीन ऐसे देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगते हैं,
ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। एक्चुअल में बिम्स्टेक में देखा जाए तो वही सारी कंट्रीज आती हैं जिनका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर होता है, बट ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये बिम्स्टेक का पार्ट है। एग्जाम में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, पहले ही बता दिया है। और बैंकॉक के अंदर इसकी सबसे पहली जो बैठक है वो देखने को मिलती है 2004 में। बिम्स्टेक की जो एक कॉन्क्लेव हुई थी अभी लेटेस्ट वाली, वो विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज करी गई थी। पहली बार ऐसा था कि उसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आप देखो अब कुछ लोगों का गुड मॉर्निंग आ रहा है या सेशन खत्म होने के बाद गुड मॉर्निंग कौन करता है। चलो ये तो बात ही सारे सेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सुमेश वर्मा जी का एक कमेंट आया था 9 फेब को ये पेपर था, जिसमें अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली क्लास से थे। सवाल क्या थे, जरा सवालों पर आ जाते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल था नोबल प्राइज़ जो है पीस के लिए 2019 का किसको दिया गया। आंसर क्या बनेगा, एबी अहमद जी, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। बच्चों वाला सवाल था, हज़ार बार हम आपको बचा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल था पहले लोकपाल। इंडिया के अगर पहले लोकपाल के बारे में बात करें तो कल का एडिटोरियल देखो तो अच्छा खासा पूरा एक आर्टिकल निकला हुआ था लोकपाल के ऊपर। पहले लोकपाल कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पिनाकी चंद्र घोष जी रहेंगे, यानी कि आप पीसी घोष के नाम से भी ये नाम याद रख सकते हो। अगला देखो, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के सबसे पहले उपराज्यपाल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। ये तो वैसा वाला सवाल है कि नींद में भी आंसर आ जाना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आर के माथुर जी रहेंगे, यानी कि राधा कृष्ण माथुर बनेंगे इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो सवाल क्या था, अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना अगर राष्ट्र उद्यान पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, चलो आंसर करके बताओ। काजीरंगा, हेमीज, राजा जी या जिम कॉर्बेट। काजीरंगा पूछा जाएगा तो ये तो भाई आसाम में हो गया, हेमीज पूछा जाएगा लद्दाख में हो गया, राजा जी उत्तराखंड में हो गया, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हो गया। सबसे पुराना कौन सा रहेगा, सेशन देखने के बाद मॉर्निंग गुड होती है, चलो अच्छा लगता है ऐसा अगर आप लोग बोलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नींद खराब करना बहुत मुश्किल होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हाँ आंसर बताओ, सबसे पुराना अगर नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, है ना। हाउ इजी क्वेश्चन, मुझे भी यही लगा कि ऐसे सवाल आते हैं, है ना, तो हम लोग को चलना चाहिए, छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर जल्दी से आंसर करो यार, इसको इतना टाइम नहीं लेते हैं। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाएगा, ओल्डेस्ट पूछा है, ध्यान रखो ओल्डेस्ट पूछा है, इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा होगा, आंसर बनेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला था हु इज़ द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग, ये किताब थी, इसके ऑथर कौन होंगे, रेचल कार्सन रहेंगे इसके ऑथर। अगला सवाल था वेयर विल द विंटर ओलंपिक गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज। 2022 के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ होगा, जल्दी से आंसर करो। साउथ कोरिया में रहेगा, कनाडा में रहेगा, रशिया में रहेगा या चाइना में होगा। अभी मैंने आपको बताया था 2022 में जो गेम्स होंगे वो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और इसका जो आप कह सकते हैं मैस्कॉट है वो है स्माइलिंग पांडा, ऑल्दो पांडाज आर सो गुड, तो स्माइलिंग पांडा जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एज अ मैस्कॉट। बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, जो लोग पहली बार आज कनेक्ट हो रहे हैं जैसे कि ओमकार जी हैं, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वैसे भी नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम कई बार आ जाता है, बट क्लास का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से होता है। अब यहाँ पे ये हैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। आजकल होमवर्क जो है वो प्रॉपर आप लोग कर नहीं रहे, बहुत कम आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कमेंट की जो संख्या है वो 200-250 बस इतनी बची हुई है। कमेंट सेक्शन में सबको ये आंसर करना है जितने लोग यहाँ पे लाइव रहते हो। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये चीज़ें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे ही करोगे, इसके अलावा अन अकेडमी पर जुड़ना मत भूलना। अभी 9 बजे SSC का क्लास चलेगा, जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिनके पास पहले से था बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक बार से डेमो क्लासेस देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो टाइम प्रॉब्लम होती है, जो आपकी क्वेरीज होती हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, या फिर अगर आप वर्किंग हैं और आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, तो उन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ मिलेगा। SSC के जो प्रॉपर बैचेज हैं GS के लिए वो बहुत जल्दी आने जा रहे हैं, तो बी प्रिपेयर, मे बी आपको नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से ये बैचेस भी लाइंड अप देखने को मिलेंगे। कोड क्या यूज करना है, वाईफाई चैंप। अमाउंट क्या रहेगा, 6000 रुपीज है, जिसमें आप वाईफाई चैंप यूज करोगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप GS के क्लास के लिए एनरोल करोगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ GS का क्लास मिलेगा, इसमें इंग्लिश भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, और रीजनिंग के क्लासेस भी आपको मिलेंगे विद करेंट अफेयर्स। हम तो हैं ही ना वहां पे विद करेंट अफेयर्स, तो इतनी सारी चीजें अगर आपको यहां मिल रही हैं 5400 अमाउंट पे यूजिंग वाईफाई चैंप, तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं, पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन है, तो साल भर में अगर हर एक चीज़ मिल रही है, जितने अन अकेडमी के एजुकेटर हैं किसी से भी आप पढ़ सकते हो, सिर्फ आपको कोड क्या यूज़ करना है, वाईफाई चैंप कोड यूज़ करना है। बात समझ में आ गई, चला जाए अब आगे। तो चलो अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी कब,
उम्मीद करते हैं कि शाम तक तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, तो शाम में 4:30 बजे पॉलिटी के क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इन केस क्लास नहीं हो पाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, करेंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। और अगर मान लो क्लास नहीं होता है तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, यानी कि पार्लियामेंट टॉपिक, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा था, तो और साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।